दोस्तों, क्या आपके हाथ पैरों में लगातार सुन्नपन या फिर झुनझुनाहट रहती है? तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो एक तरफ के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इसी तरह एक ही पोजीशन में बैठकर देर रात तक काम करने से भी हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर तब होती है जब हाथ पैर पर दबाव पड़ता है या फिर नसों में चोट लगती है। ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई सुइयां चुभ रही हो, तो आप जब उसको हिलाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल बदली है, खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से हेल्थ संबंधी कई सारी परेशानियां पैदा होने लगती है। इन्हीं परेशानियों में से हाथ पैर का सुन्न होना भी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। जब आप सो रहे होते हैं तो आप ऐसे सोच लेते हैं कि मैंने अपनी बाजू को सिर के नीचे ज्यादा समय तक रख लिया था, या मैंने साइड लेकर ज्यादा समय तक सो गया था, शायद इसी वजह से हाथ पैर सो गए हैं। और जब मैंने हाथ या फिर पैर को 1 से 2 मिनट के लिए हिलाया तो वह एकदम ठीक हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इसके लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, हमारे शरीर में किन किन चीजों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, साथ में ये भी जानेंगे कि इन सब का इलाज क्या है। जब हमारे शरीर के किसी भी भाग की नस दब जाती है तो हमारे शरीर और उस नस में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिस कारण हमारे शरीर का वह भाग किसी चीज को छूने से एहसास करना बंद कर देता है। ऐसा अक्सर यह समस्या तब होती है जब हाथ पैरों पर दबाव पड़ता है या नसों में जब चोट लग जाती है। शराब का ज्यादा नशा या ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन, धूम्रपान करना, इसके अलावा डायबिटीज, थकान या फिर विटामिन B12 या मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी इस समस्या के कारण होते हैं। इसको सीरियसली लें, ये किसी बड़ी और गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, एक बात सोचने वाली है कि हमारे शरीर के किसी भी भाग का खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से क्यों नहीं हो पाता और नस क्यों दबती है, इसका वजह जानना हम लोगों के लिए काफी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य वजह है विटामिन B12 की कमी। जी हाँ, विटामिन B12 अकेला एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों को मजबूती देता है। विटामिन B12 हमारे शरीर की तमाम सेल्स, चाहे वो हमारे स्किन में हो, मुंह में या आंत में हो, सेहत के लिए यह जरूरी विटामिन है। इन सभी सेल्स का कंट्रोल इनमें स्थित न्यूक्लियस के DNA और RNA द्वारा होता है, और इनके लिए यह एक अनिवार्य विटामिन है। विटामिन B12 ना मिले तो यह न्यूक्लियस काम नहीं करेगा, इसलिए इसकी कमी हो तो हर सेल ठीक से काम करना बंद कर देगी। यही विटामिन B12 हमारे नर्व सिस्टम की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखने का भी काम करता है, यानी यह मस्तिष्क और शरीर की सारी नर्व सिस्टम में करंट के बहने में काफी हेल्प करता है। तभी अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हम में कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। फिर विटामिन B12 उन सेल्स के मैच्योर होने में भी बहुत जरूरी कारक है जो हमारी हड्डियों में रहकर रक्त यानी कि खून बनाते हैं। इसलिए शरीर में विटामिन B12 ना हो तो हमें एक अलग ही किस्म का एनीमिया हो सकता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, अकेला विटामिन B12 ही पूरे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और लीवर तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है। हमारे नसों के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है जिसे माइलिन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो एक कवर कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से नसें दब जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से हाथ पैर सो जाते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 एक वाटर सेल्युबल विटामिन है। जैसे कि आज हमने विटामिन B12 खाया, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना दिया, लेकिन जो बचा है वह पानी में घुलकर यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो हमें रोजाना विटामिन B12 लेना चाहिए, नहीं तो नसों की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा या फिर हाथ पैरों का सोना या झंझनाहट की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी या नस दबने लगेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। अगर आप विटामिन B12 वाले डाइट नहीं ले रहे हो तो इसकी कमी हो जाएगी, और आप अगर डाइट में इसे ले भी रहे हो और अगर आपकी आंतें कमजोर हैं तो उनका अब्सॉर्प्शन हमारा शरीर नहीं कर पाएगा, वो सीधा का सीधा यूरिन या फिर मल के रास्ते बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी आंतों को मजबूत करना होगा। तो आंतों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एप्पल साइडर विनेगर।
इसका आपको सेवन रोजाना करना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर मैलिक एसिड होता है जो आंतों को मजबूती देता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को 4 से 5 बजे के बीच दो टाइम आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। सुबह खाली पेट 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है, यानी कि हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। ऐसा आप लगातार 1 महीने तक लीजिए। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करें। तो कैसे इसे पूरा करना है मैं आपको बताता हूँ। विटामिन B12 सिर्फ मांस, मछली, दूध और पनीर में ही होता है। यह ना तो हरी सब्जियों में होता है ना फलों में, जैसा कि हमें गलत फहमी रहती है। हाँ, फॉलिक एसिड लगभग हर खाने की चीजों में मौजूद होता है, सारी सब्जियों में और फलों में, मीट मछली में यह पाया जाता है। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि इन्हें देर तक गर्म करने पर इसका फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वे वेजिटेरियन लोग जो दूध, दही या पनीर भी नहीं लेते हैं, या नहीं ले पाते, या बस कभी कभी ही लेते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी पैदा हो जाना एक कॉमन सी बात है। हमारे देश में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है, और अगर वो दूध, दही या पनीर नहीं खा पाते तो उनके लिए विटामिन B12 की कमी का खतरा हमेशा रहता है। इसकी कमी के लक्षण यानी सिम्टम्स अचानक सामने नहीं आते, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। इसकी कमी के लक्षण यानी सिम्टम्स अचानक सामने नहीं आते बल्कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसी चक्कर में ना जाने कितने विटामिन B12 की कमी वाले लोगों का हमारे यहाँ डायग्नोसिस नहीं हो पाता। एक बात का ध्यान रखें कि विटामिन B12 वाटर सेल्युबल है, इसलिए आपको रोजाना का रोजाना लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप दिन में पर्याप्त पानी पीजिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। पानी पीने से शरीर की टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। साथ ही शरीर की मालिश कीजिए और धूप में बैठें, व्यायाम यानी एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह सही से होता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी न होने दें, इसके कारण भी हाथ पैर सोने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से नसें भी कमजोर पड़ जाती है। तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें? दोस्तों, खसखस के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम खसखस में 126 mg कैल्शियम होता है। यह हमारे हाथों, पैरों को नम नहीं होने देता। खसखस खाने से फर्टिलिटी पावर बढ़ती है, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर होता है, थायराइड कंट्रोल रहता है, शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो खसखस का सेवन आप रोजाना जरूर करें। खसखस का सेवन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, रात को 1 गिलास दूध में 1 से 1.5 चम्मच खसखस डालकर बॉयल कर लीजिए और उस खसखस वाले दूध का रोजाना सेवन कीजिए। खसखस की तासीर दोस्तों ठंडी रहती है, तो गर्मी के मौसम में भी आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर का सेवन कीजिए। आप खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे ब्रोकली, गोभी और भिंडी। दरअसल सब्जियां कैल्शियम का पावर हाउस होती है, इनमें विटामिन के का स्तर बहुत अच्छा होता है। हड्डियों के साथ साथ नसों के लिए भी विटामिन के बहुत ही जरूरी है। लंच और डिनर के बाद 2 अंजीर खाएं। अंजीर में भी ठीक ठाक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, शरीर हमेशा गर्म रहता है, तो आप अंजीर को पानी में भिगोकर खाएं। बाकी कफ और वात वाले लोग अंजीर को सूखा ही खा सकते हैं। आप तिल का भी सेवन कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच तिल को थोड़े से पानी में भिगोकर सुबह इस तिल को चबा चबा कर खा लीजिए और बचा हुआ जो पानी उसे फेंक दीजिए। तिल में भी बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम तिल के अंदर 118 mg कैल्शियम होता है, जो हाथ पैरों को नम नहीं होने देता। तिल खाने के और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि डायबिटीज को कंट्रोल करना, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द में फायदा करता है, और साथ ही साथ थायराइड के मरीज भी तिल का सेवन जरूर करें। इसके अलावा दिन भर में अजवाइन का सेवन जरूर करें। अजवाइन पेट की प्रॉब्लम को दूर करती है। 9 ग्राम अजवाइन में 115 mg कैल्शियम होता है। इसके अंदर और भी बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, सर्दी जुकाम नहीं होने देते हैं और हाथ पैरों को नम नहीं होने देते हैं। अजवाइन को सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथो, तो उसमें अजवाइन और कलौंजी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस आटे में डाल दो और उसकी बनी रोटियां आप खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ। इसे खाए हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आपको फायदे भी देगा। अभी गर्मी का मौसम में चिया सीड्स का सेवन कीजिए। 9 ग्राम चिया सीड्स के अंदर 60 mg कैल्शियम होता है। जी हाँ, चिया सीड्स खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है और ये नमनेस को भी ठीक करता है। साथ ही साथ अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द है, तो उसमें भी ये फायदा करेगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है और गर्मियों के मौसम में इसे हर किसी को खाना चाहिए, क्योंकि इसे एक सुपर फूड माना जाता है। चिया सीड्स आपको ऑनलाइन या बड़े सुपर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा सफ़ेद चने, हरी फलियां, राजमा, मूंग की दाल,
सोयाबीन, लाल मसूर की दाल, हरे मटर आदि, इन सब के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना हाथ पैरों में सुन्नपन और झुंझुनाहट के नेचुरल होम रेमेडी। दोस्तों ये सारी रेमेडी नेचुरल है तो इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। अंजीर का सेवन गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में ना करें और उसे पानी में भिगोकर करें। डायबिटीज वाले भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर शुगर की मात्रा खून में बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से बात करने के बाद ही आप अंजीर का सेवन करें। खसखस का सेवन प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें, दूध पिलाने वाली माताएं कर सकती है। आप खसखस अंजीर का सेवन एक साथ कर सकते हो। रात को एक गिलास दूध में एक चम्मच खसखस डालकर बॉयल कर लीजिए और ये दो अंजीर खाकर ऊपर से खसखस वाला दूध पी लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, पित्त प्रकृति के हैं, तो अंजीर के सेवन करने से पहले उसे 2 से 3 घंटे पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर बताना और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।